ओ भाई, जाम 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 जाम, गलत जगह घुस गया मैं। तो थंबनेल और टाइटल तो देख लिए होंगे आप लोग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेकर आए एक नया वीडियो और आज फिर से लेकर आए एक डिलीवरी वाला वीडियो। अब आप लोग भी सोचते होंगे, यार ये कितनी बाइकों का डिलीवरी लेता है, कभी रिबॉन का नहीं, रिबॉन का अभी तक नहीं लिया मैंने, कभी कॉन्टिनेंटल GT का, कभी रेडर का, कभी FZ का, और आज जाके ले रहे हैं मीटियोर का डिलीवरी। और सब कुछ पता चल जाएगा आप लोग को शोरूम पहुंचते पहुंचते। आज थोड़ा सा दूसरा रूट से जा रहे हैं, डायरेक्ट आज बड़ा चौक से जा रहे हैं। शोरूम तो बड़ा चौक में ही है, बट हम लोग स्टेशन रोड से होते हुए बड़ा चौक में जाएंगे। और ये बाइक उन्हीं भैया का है जिनका मैंने एक बार शॉप का वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसा मतलब कि उनका भैया का नया शॉप खुला था। तो आज जा रहे अपन, कॉल किया उन्होंने कि ये डिलीवरी है, आ जाओ। तो बस कैमरा लगा लिए, निकल गए। बस एक ही चीज़ का गम रहता है हमेशा कि भाई अपनी बाइक कब लेंगे और कौन सी लेंगे, अभी तक ये भी नहीं पता। खैर कोई नहीं, कमेंट करो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए हमें, अगर इन फ्यूचर ले पाएँ तो इंशाल्लाह। और बाकी अभी तो चलते हैं शोरूम। सामने में ही है शोरूम, इस वाले मतलब कि चौराहा के बाद ही है। जो गिरिडीह में रहते हैं उन्हें पता होगा शोरूम कहाँ पे है, और बाकी आप लोगों को नहीं पता तो बता दे रहे हैं कि बड़ा चौक में शोरूम है। और भाई ठंड तो अलग ही बढ़ चुकी है यार, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। बस यहीं राइट साइड पे जाना है हमें, अगर यहाँ पे जाम वगैरह थोड़ा कम हो तो। तो भैया का जिक्सर लगा हुआ है, भैया के पास जिक्सर है, और आज वो मीटियोर का डिलीवरी ले रहे हैं। अपनी बाइक को थोड़ा पीछे लगा देते हैं, उसके बाद फिर शोरूम घुसते हैं आराम से। तो भैया चलो शोरूम के अंदर, देखते हैं गाड़ी कहाँ है। फिलहाल मेरे को तो दिख नहीं रहा। तो भाई फाइनली बाइक सामने लग गया है, तो भैया को कॉन्ग्रेट्स पहले। थैंक यू। और कौन सा कलर है बताया नहीं अभी तक, आप ही बता दीजिए। मीटियोर स्टेलर ब्लैक। स्टेलर ब्लैक है। और आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, चार महीना के बाद ये वाला कलर है। और अभी वीडियो शूट कर रहे थे सुबह में, लेकिन रात हो गया क्योंकि मतलब थोड़ा आने में टाइम लगा रहा। बाकी भैया भी है, तो चलिए अब चलते उधर। फोटो ले हो रहा है यहाँ पे, फोटो सेशन जो जाएगा कंपनी में। और बाकी बात GoPro से स्विच कर लिए हम लोग अपना फ़ोन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। और 4 मंथ का वेटिंग भाई, चलिए हो गया कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। और चलिए स्टार्ट करिए। चाबी कहाँ है इसका? चाबी पूरन भैया, चाबी 1000 ऑन कर दीजिए, 1000 ऑन कर दीजिए, इस साइड से होगा। हेलमेट उठा लीजिए, गिर जाएगा। सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड तो 100%। चलिए चलो भाई, अब इसे लेके घर निकलते हैं हम लोग। चलिए तो भाई थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्रीफिंग चलेगी कि कैसे क्या है उसका कीज़ वगैरह की रिगार्डिंग, भले हमें सब पता है लेकिन तब भी थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देते हैं भैया लोग यहाँ पे, तो बेटर रहेगा। बाकी यार कैमरा पे कैमरा से हटा ली क्योंकि अंधेरा हो रहा था पूरा, ख़तरनाक वाला कैमरे पे। और जो ये वाला कलर के लिए वेटिंग था भाई, 4 मंथ का वेटिंग। तो अब चलो इस पर भी वीडियोज़ आएंगे, आप लोग कमेंट करना, इस पर भी हम लोग वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो भाई बाइक लेके भैया निकल गए, अब डायरेक्ट पहुंचते भैया के शॉप पे। अगर शॉप पे होगी तो एक दो बार राइड लेने का कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर बाद में तो राइड मिलेगा ही हमें। अभी फ़िलहाल अच्छा खासा समझ जो रात हो चुका है।
चलो चलते हैं अपन। और भाई इतनी गंदी वाली ठंड बढ़ गई ना यार, चुभ रही है समझो, लग रहा कट जाएगा गर्दन, इतना खतरनाक ठंड लग रहा है। और साथ में अभी वाइज़र खुला हुआ है क्योंकि भाई मेरा वाइज़र ब्लैक कलर है, मतलब कि ब्लैक शेडेड है, तो रात को कुछ नज़र नहीं आता भाई, कंप्लीट अंधेरा दिखता है। और इसी कारण वाइज़र लगाया नहीं, और फेस पे जो हवा पड़ रहा है भाई सामने से, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो भाई इस वाले टर्न के बाद ही है शॉप, यहाँ पे देखो वीवो का आपको बोर्ड दिख गया होगा, वहीं पे जाना है हमें। और बाइक 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 नहीं है यहाँ, क्या निकल गए लगता है पेट्रोल कराने भर के चले गए, चलिए आने दीजिए उनको। ये वाला सेल्फ प्रमोशन, हाँ यही वाला है, इस पर डालेंगे कल या परसों तक ये सारा वीडियो। ओ भाई 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 तेल भरा लिए, कैसा लग रहा चलाने में? कंफर्ट तो पूरा होगा, कंफर्ट पूरा मिल रहा होगा, चलाए भाई साहब। देखो मीटियोर मैंने पहले भी चलाया है भाई, चलाने में बहुत मज़ा आता है, नो डाउट, बड़ा मस्त चलता है भाई, और क्रूजिंग के लिए परफेक्ट है, लॉन्ग राइड्स के लिए परफेक्ट है। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हमें कंपैरिजन वगैरह करना चाहिए आपका मीटियोर का और रिबॉन्ड का, कमेंट करोगे भाई तो तभी मैं करूँगा, एज सच मेरे को भी देखना है कितना रिस्पॉन्स आता है आप लोग का। बाकी भाई नो डाउट चलाने में एक नंबर है, चलने में सॉरी चलाने वाला तो चलाने पे डिपेंड करेगा, ब्रेक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे वर्क करेंगे क्योंकि डुअल चैनल ABS के साथ है। और वाइब्रेशन तो भाई ना के बराबर, नो वाइब्रेशन एट ऑल, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भाई, यहीं पे घुसते हैं स्टेशन और फिर वहाँ से यू टर्न लेते हुए वापस शॉप। और बाकी इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं उन्हें वहाँ पे भी अपडेटेड मिलता रहता है कि क्या हम कर रहे हैं नेक्स्ट और क्या नहीं कर रहे हैं। और भाई स्टेशन का लुक काफ़ी अच्छा कर दिया गया पहले से, ये मैं बोलूँगा। और यहाँ पे एक अपना ट्राई कलर मतलब इंडियन फ्लैग, एक बार आपको रुक के दिखा देते हैं बाइक, एक बार आप रुक कर देख लो कैसी लग रही है बताओ कमेंट सेक्शन में, ये वाली ब्यूटी। यो एक फ़ोटो लेते हैं थंबनेल के लिए, और वही इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो हो जा कर लेना आप लोग, तो आप लोग को पता चल जाएगा। भाई साहब रात हो गया इसलिए भाई थंबनेल सही से भी नहीं आता है, बाकी ओवरऑल इंजन देखो एग्जॉस्ट फ्लूइड वगैरह तो चेंज होगा नहीं, बट हमारे पास एक वीडियो आया है कि एग्जॉस्ट चेंज हुआ था, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लोगे हमें तो आपको पता चल जाएगा आने वाले वीडियोस में कि क्या होने वाला है। बाकी इसका 1000 लाइट वगैरह तो ऑन करके चलाऊं, बड़ा मज़ा आएगा, 1000 ऑन करता तो कुछ दिखता है कि कुछ आ रहा है, बाकी एनी वेज वो अपना अपना चॉइस है भाई। मैंने भी 1000 लगाया तो 2-3 दिन बस शौक रहा 1000 ऑन करके चलाने का, बाकी उसके बाद तो छोड़ ही दिया। चलो वापस चलते अब अपन भैया के पास, भैया के शॉप पे, बहुत अच्छा पिकअप भी है इस वाली बाइक का, 350 cc पे जो है जे टाइप इंजन है, आपको जे का मार्क इंजन में स्टैम्प्ड दिख जाएगा। और कीज़ वगैरह काफ़ी खूबसूरत है जो राउंडेड शेप पे है, तो बाइक तो आए हुए बहुत दिन हो गया और ये वाला कलर पे मैंने वीडियो शूट कर लिया था पहले, और साथ साथ गूगल नेविगेशन वगैरह भी है ही, इनबिल्ट गूगल नेविगेशन है तो फ़ोन से कनेक्ट करो। आवाज़ काफ़ी दहाड़ के आ रहा भाई, स्टॉक आवाज़ काफ़ी अच्छा आ रहा है, अच्छा फील करा रहा है। अच्छा अब पिकअप तो भाई मज़ा ही आ जा। और भैया का हाइट है 6 feet अराउंड है, तो उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल होता होगा, अभी पूछते हैं उनसे, लगाते हैं बाइक को। केशव खड़ा है यहीं पे। यो गिर जाएगा क्या, पीछे कर ले,
चलो शॉप चलते हैं, और जो बैक रेस्ट है वो काफ़ी सही काम करेगा यार पिलियन के लिए। अच्छा इधर है। आपका हाइट कितना है? 6 फीट। तब पूरा कंफर्टेबल होंगे। बस ऐसे भी नीचा है नहीं आप, मतलब कि चलाने में तो और मज़ा आता होगा। भैया से विदा लेते हैं। ठीक, शॉप के बारे में बता दिए। शॉप के बारे में क्या बोले, तुम लोगों का दुआ से शॉप अभी ठीक ठाक है। चलो और गाड़ी भी है, लाल गाड़ी के बारे में बात गाड़ी की बात करें। इसका ये वाला कनेक्ट होता है ना? हाँ। चलो बढ़िया से हो जाएगा गूगल मैप। तो भाई होपफुली आपको ये वाला वीडियो, हमारा डिलीवरी वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ये भी कहना कि कितना डिलीवरी लेता है। अगर आप लोग बता दोगे कितना डिलीवरी अभी तक मैंने ले लिया है तो सही है, और बाकी बात तो डिलीवरी अच्छा खासा ले लिया मैंने, बहुत सारे बाइकों के ले लिया है एक्सेप्ट अपना। ये बोल के थोड़ा सा मैं चुप हो जाता हूँ। खैर कोई नहीं, वीडियो को अपन करते हैं एंड, मार्केट घुसते हैं, और यहाँ का मार्केट तो भाई ख़तरनाक वाला जाम से भर जाता है। तो चलो अब हमें वीडियो करेंगे एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।